जिला वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम 2021-22 नाविन्यपूर्ण योजना के तहत ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के मार्गदर्शन में ई लर्निंग टैबलेट का वितरण सरकारी आश्रम स्कूल के छात्रों को किया गया है। इस दौरान नितिन राउत ने पत्रकारों से राज्य पर मंडरा रहे बिजली के संकट के सवाल किए तो राउत द्वारा जनता से बिजली बिल भरने की अपील भी की गई। पत्रकारों द्वारा डॉक्टर नितिन राउत से राज्य पर मंडरा रहे बिजली संकट पर सवाल पूछे जाने पर राउत बोले, मेरी सभी राज्य के जनता से अपील है, बिजली बिल का भुगतान जल्द से जल्द करें ताकि लोड शेडिंग से बचा जाए। बिजली बिल का भुगतान जनता अगर समय रहती करती है तो निश्चित ही इस संकट को टाला जा सकता है। मिलणार नाही आहे, या विजेला खर्च लागतो, पैसा लागतो, सर्व सोंग येतात, पैशाचं सोंग घेतात नाही, तर विजेचं बिल सुद्धा भरायला पाहिजे। माझी नम्रपणे विनंती आहे महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना की मित्र हो, आपण जर वीज पाहिजे, लोड शेडिंग जर आपल्यास नको असेल तर आपण वीज भरले नसाल तर कृपया विजेचं बिल प्रामाणिकपणे भरा, आम्ही तुमचे उपकार विसरणार नाही। हे महाराष्ट्र सरकार तुमचे उपकार विसरणार नाही, महाराष्ट्राची जनता सुद्धा विसरणार। साथ ही वे बोले, जो नियम राज्य की जनता के लिए बनाए गए है बिजली बिल का भुगतान करने हेतु, वही सभी विभाग के लिए भी लागू है। जे नियम जे निकष राज्यातील जनतेला लागू आहेत तेच नियम तेच निकष सर्व खात्यांना लागू आहेत। एक आईचा दुसरा मावशीचा होऊ शकत नाही। राज्य में जो बिजली का संकट निर्माण हुआ है उसका कारण यह है कि बिजली की मांग बढ़ चुकी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।